अध्याय आखिरी पैराग्राफ सातवां श्लोक। इस श्लोक को और इसका दोबारा अध्ययन करने का केवल यही तात्पर्य है, यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस श्लोक के प्रति गुरु महाराज ने आरंभ में ही श्रीमद् भगवद गीता के पाठ की रीति में वर्णन कर दिया है कि प्रत्येक पाठक को अपने आप को अर्जुन मान करके इसका स्वाध्याय करना होगा, इसको समझना होगा। यहाँ स्वयं अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, कायरता से मेरा शूर वीरता का स्वभाव हनन हो गया है, मेरा जातीय गुण दब गया है। अब यहाँ पर प्रत्येक मानव को उसका कर्तव्य कर्म क्या है ये तो ज्ञान रहता है। यहाँ अर्जुन भगवान को कह रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय का क्या कर्तव्य कर्म है ये तो मुझे ज्ञान है, परंतु उस कर्म को करने में अब मैं समर्थ नहीं हूं। अंतर है, इसको ठीक से समझना, क्योंकि ये हमारे जीवन में इस प्रकार का समय अक्सर आता है। पता है समय पर भजन ध्यान ये अनिवार्य नियम के अंतर्गत है, परंतु रिश्तेदार आ गया, दोस्त मित्र आ गए, पता भी है कि इस समय मेरा समय अपने इष्ट से मिलने का है, जाप का है, सत्संग का है, परंतु मनोभाव से शिथिलता, जो संगी साथी जिन्होंने साथ नहीं रहना है उसको समय देगा। यह श्लोक अगर साधक कंठ कर ले और दिन में स्मरण करे, फिर उसमें परमेश्वर कृपा से वह शक्ति उत्पन्न हो जाएगी जो बाधा विघ्न को काटने वाली है, मनोवृत्ति को भीरू नहीं बनने देगी, कैसी भी अवस्था क्यों ना हो। जो ठीक है, जो अनिवार्य कर्तव्य है उसी को करेगा और उसकी बागडोर परमेश्वर के हाथ होगी। सारी दुनिया रूठ जावे, एक वह अपना इष्ट वह देव साथ होवे, कोई चिंता की बात नहीं। सारी दुनिया साथ होवे, वह साथ ना होवे तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अब भगवान वास्ता दे रहे हैं, उसे सचेत कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं कि तू आर्या पुत्र है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय युद्ध में पीछे को नहीं भागता, तब अर्जुन भगवान से कह रहा है, हे कृष्ण, मैं क्षत्रिय कर्तव्य कर्म को समझता हूं, मैं जानता हूं, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं अच्छी तरह से समझता हूं मेरा कर्तव्य कर्म क्या है,
परंतु मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उस कर्म के लिए मैं सामने खड़ा हो जाऊं। यह श्लोक 18 अध्याय इसी पर आधारित रहेंगे, 18 के 18 अध्याय। ये अर्जुन का जो प्रश्न है, हे कृष्ण, कायरता से मेरा शूर वीरता का स्वभाव हनन हो गया है, मेरा जातीय गुण दब गया है, मेरा धर्म कर्तव्य पालन करना है अथवा भीख मांगकर निर्वाह करना, इसमें मेरा चित्त धर्म विमूढ़ हो गया है, गड़बड़ा गया है, इसलिए मैं तुझसे पूछता हूं। अब व्यवहारिक रूप में आ जावे, अर्जुन कह रहा है मुझे सारा ज्ञान है परंतु मैं तुझसे पूछता हूं। अब व्यवहारिक जीवन में जब मानव में दीनता आ जावे, उसके जो स्वाभाविक नैसर्गिक गुण हैं वह नष्ट हो जाते हैं, अवरण आ जाता है, इससे बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है, संशयशील हो जाती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ज्ञानवंत होते हुए आज से पहले लोग उसके पास आते थे अपना समाधान करवाने के लिए, इतना वह बुद्धिमान था, परंतु अब जब अपने ऊपर आन पड़ी साधारणतः भी जब व्यक्ति किसी विपदा में होता है, जो अपना बहुत निकट हो मित्र उससे सबसे पहले बात करेगा कि ऐसा अब मैं क्या करूं, ऐसा समय सम्मुख आ गया, अथवा अपने गुरु के सम्मुख, अपने गुरु के पास जाके उसका समाधान करवाता है। ये व्यवहारिक जीवन में है कि कोई हल निकलेगा, ये नियम के अंतर्गत है। यहां तक ये वर्णन किया गया, एक आध मित्र होना अनिवार्य है, होना चाहिए। अब अर्जुन को सारे ज्ञान है, यह भी पता है कि शास्त्र कर्म क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यह सब जानता है, परंतु अब संशय साथ में उत्पन्न हो गया है, मैं ये करूं अथवा वह करूं। अब धर्म जानने वाले से यह पूछ रहे हैं और हम भी ऐसा ही करते हैं, जिससे कोई भी निर्णय गलत ना लिया जावे और हानि होवे। अर्जुन कह रहा है हे भगवान, मैं आपसे पूछता हूं, पहला तो साधारण बोलचाल में भी व्यक्ति कह रहा है, मन में सोच रहा है कि ये गलत कर रहा है व्यक्ति, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर भी उसे जाके नहीं कहता तू ऐसा ना कर, परंतु अगर वह पूछने आ जावे फिर उसे अवश्य बता देवेगा कि मैं तो पहले ही मेरे मन में था कि तुझे ऐसे करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। साधारणतः अब इतनी धर्म की बात जब तक अर्जुन पूछ नहीं रहा, भगवान भी नहीं बोल रहे, उससे सुन रहे हैं,
उसकी बातें सारी सुन रहे हैं, लेकिन जब पूछेगा तब 18 अध्याय पूर्ण हो जावेंगे। एक एक बात समझावेंगे भगवान, हर पहलू समझावेंगे। अब किसी से भी कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, पहले उसकी शरण को ग्रहण करना होगा, फिर प्रश्न करना होगा, फिर अर्जुन ने जो किया है, पहला मैं आपसे पूछता हूं, दूसरा मैं आपका शिष्य हूं, गुरु का कर्तव्य कर्म है अपने शिष्य को धर्म और अधर्म के बीच में सत्य का ज्ञान देना, फिर प्रार्थना याचना आप मुझे उपदेश देवे, मैं आपकी शरण में हूं। इस तरह अर्जुन ने चार ढंग से अपनी जिज्ञासा उत्पन्न कर दे दी। मैं आपसे पूछता हूं, आपका शिष्य हूं, तीसरा आप मुझे उपदेश देवें, तथा मैं आपकी शरण में हूं। अब साधारणतः अर्जुन को यह सारा ज्ञान है। जिस प्रकार ज्ञान ग्रंथों में है, परंतु गुरु चाहे चाहिए समझाने के लिए, श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, वही शक्तियां हैं। ये स्वयं इस धरती पर आए इस ज्ञान को समझाने के लिए। इसको साधक दिन में स्मरण करता रहे, नाम का जाप करते हुए, हे भगवान मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं।